जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सोमवार को असुरन भेड़ियागढ़ कृष्णानगर प्राइवेट कॉलोनी घोसीपुरवा जंगल नंद लाल सिंह रसूलपुर सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा बाहर से आए होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों व स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी हासिल की एवं जंगल नंद लाल सिंह एवं रसूलपुर क्षेत्र को सील किए जाने की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने क्वारंटाइन किए गए लोगों से कहा कि यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ रही है तो तत्काल अवगत कराएं, यह आप लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है जिससे आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने होम क्वारंटाइन किए गए लोगों से अपील किया कि अपना ध्यान दें और बाहर से आए सभी लोगों की जानकारी दें जिससे समय से उनका इलाज हो सके। घर के अंदर ही रहिए सभी। बाबा घर पे रहिए। ठीक है अंदर है अंदर है। हाँ फरते जी, मुंबई से कितने लोग बाहर से हैं जरा यार, उन लोगों को ख्याल रखो। लगातार डेथ हो रही है, बहुत मर रहे हैं वैसे वैसे सीधे को। मुंबई से तो नहीं कोई आया अब तक, मुंबई और गुजरात वो ट्रक से जो भी आए और ट्रक से जो भी सूचना पर फोन करते हैं सूचना और उनको एक बार चेक कर लीजिए। हम सैंपलिंग में आइए कुछ आप ही बाहर से आए थे और मास्क लगा के आइए जो भी है। ये होम क्वारंटाइन हो जाएंगे लोगों का कमरा छोटे छोटे कमरा जो पूरी फैमिली क्वारंटाइन सर ये तो समस्या। आइए भेजिए जल्दी, डीएम साहब आए हुए हैं। अरे तो तैयारी करती थी यार, वहाँ क्या वहाँ केसेस रिपोर्ट हुआ है कुछ नहीं? उस एरिया में कोई केस नहीं, कोई नहीं। रास्ते में कैसे आए? रास्ते में कार से आए अपनी। अलग रहना ऊपर है तो ऊपर से ही बात करो भाई। राजन आप हो? राजन कहाँ से आए भाई? अहमदाबाद। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद से। क्या काम करते थे? अच्छा कैसे आए हैं, कब आए थे? ट्रक से आए थे क्या? ट्रेन से जो एक्सप्रेस आई थी उसी पे वो बांदा तक बांदा 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 तक बांदा से फिर यहाँ सरकारी बस से आए। अच्छा कितने लोग थे बस में? अरे 50 बस थे। ध्यान रखो अपना, कोई भी संक्रमित हो सकता है। अंदर ही रहना है, किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलना है, अलग कमरे में रहना है। 21 दिन अलग रहोगे, किसी से मिलना जुलना नहीं है, घर से बाहर है। लॉकडाउन समय में घर का अंदर ही रहना है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है। करिए घर का अंदर ही रहना होगा, कोई बाहर से व्यक्ति आए हो तो अपने पर्ची बता दे ताकि जांच हो जाएगा, आपका सहयोग की जाएगी। कोई बाहर से आए तो अपने पर्ची बता दे, मुंबई दिल्ली से कोई बाहर से आया हो, मुंबई दिल्ली कहीं से बाहर से आए तो अपने पर्चे बता दें।
बस से आए थे, प्रशासन बोले इनके साथ जो भी हो उनसे दूर करवाते जाओ। तो हम कोई